वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो सही जगह पर आप निवेश करिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से बैंक में आपको सबसे अच्छा ब्याज मिल रहा है और जिस पर आप एफडी करके अपने पैसे को जल्दी बढ़ा सकते हैं, दो गुना कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सही जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आईडीबीआई बैंक हुआ या बैंक ऑफ इंडिया हुआ या साथ ही फेडरल बैंक हुआ, इन बैंकों सहित कई ऐसे बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा ब्याज दर दे रहे हैं और इनके ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप भी इन दिनों एफडी कराना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैंक हम आपको बताने वाले हैं जिसमें आप एफडी कर पाएंगे और अपने पैसे को दोगुना कर पाएंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि 2 करोड़ रुपए से कम की जितनी भी एफडी है उस पर कौन सा बैंक है जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह पर निवेश कर पाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप 1 साल की एफडी चाहते हैं तो 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा। एचडीएफसी बैंक हुआ, आईडीबीआई बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल बैंक या एसबीआई, आप यहाँ पे इनकी ब्याज दर देख सकते हैं, इतना ही ब्याज दर इसमें मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक में 6.60%, आईडीबीआई बैंक में 6.80%, लगभग इतना ही है। अब बात करें 2 साल की एफडी ब्याज पर, तो आईडीबीआई बैंक और एसबीआई बैंक में 6.80% और 7% तक का ब्याज दर मिल रहा है। वही एचडीएफसी बैंक भी 7% का ब्याज दे रहा है, फेडरल बैंक 7.05% और बैंक ऑफ इंडिया लगभग 7.25% का ब्याज दे रहा है, अगर आप 2 साल की एफडी कराते हैं तब। वही 3 साल की एफडी पर ब्याज जो है वो आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, जिसपे सबसे ज्यादा ब्याज जो दिया जा रहा है एचडीएफसी बैंक का ही है, 7% लगभग मिल जाएगा। वही 5 साल की एफडी पर ब्याज दर आप देख सकते हैं जिसमें बैंक ऑफ इंडिया 6% का, आईडीबीआई बैंक 6.50% का, एसबीआई 6.50%, फेडरल बैंक 6.60% और एचडीएफसी 7% का ब्याज दर दे रही है। एफडी से मिलने वाली ब्याज दर पर देना होता है टैक्स, लेकिन दोस्तों आपको बता दें एफडी से मिलने वाली जो ब्याज दर पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अगर 1 साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं वो आपको एनुअल इनकम में जुड़ता है, कुल आय के आधार पर आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। यानी आपको बता दें तो कुल आय 1 वर्ष में 2.5 लाख रुपए से कम है तो बैंक डिपॉजिट टीडीएस नहीं काटता। हालांकि इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है 15G और 15H। इसके साथ ही ऐसे में अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15G और 15H जरूर जमा करें, जिससे कि आपका टीडीएस न कटे। यदि सभी एफडी से आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 वर्ष में 40,000 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाता। वहीं अगर आपकी ब्याज दर 40,000 रुपए से अधिक है तो 10% टीडीएस काट जाएगा। पैन कार्ड नहीं देने पर बैंक 20% काट सकता है। तो दोस्तों आप चाहे तो आप 5 साल की एफडी करा सकते हैं या 3 साल की या 2 साल की। मतलब ये बैंक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बैंक है, काफी खास बैंक है, ट्रस्टेड बैंक है, जो अच्छे खासे ब्याज दर दे रही है। बाकी ऐसे बहुत सारे सूर्योदय फाइनेंस बैंक वगैरह भी हैं जो लगभग 9-9.5% तक का ब्याज दे रहे हैं एफडी पर, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बैंक कब बंद हो जाए, कब आरबीआई इन पर कोई गाइडलाइन ला दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए एचडीएफसी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल और एसबीआई, ये 5 ऐसे बैंक है जिस पर ब्याज दरों में बदलाव भी हुआ है और ये अच्छा खासा ब्याज दर दे रहे हैं जिसमें आपके पैसे दोगुने हो सकते हैं। तो एक अपडेट था, नई जानकारी थी, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। किसी और बैंक में अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो उस बैंक का नाम बताइएगा, आपको उसके लिए भी जानकारी हम पूरी डिटेल में लेकर आएंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।